हेलो गाइस, मैं स्वागत सर जी, मोहम्मद वकास, मोहम्मद असलम, मैं अहमदुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियोस अच्छी लगे चाहे कोई लाइक शेयर जरूर कर दें। तो हैप्पी बर्थडे डे पाकिस्तान। तो दे चलते हैं वीडियो के। वीडियो का टाइटल है सिख कम्युनिटी इन पाकिस्तान सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। 92 न्यूज का वीडियो है। इस पर कॉपीराइट शायद आया कि नहीं, लेकिन मैंने इसलिए उठाई कि सिख जो मिनोरिटीज हैं वो पाकिस्तान के में किस तरह कॉपीराइट के रुखसार भाई कोई इशू नहीं आने दो। मिनोरिटीज किस तरह सेलिब्रेट करती हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर हैप्पी बर्थडे डेट डे देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसे सब झलाले परचम में सफेद रंग के बगैर कौमी परचम मुकम्मल नहीं होता, ऐसे ही अकलती बिरादरी का जोशो जज्बा भी यौम आजादी की खुशियों को बढ़ा देता है। पिशावर में सिख बिरादरी के जवान यौम आजादी के मौके पर सब्ज रंग में रंगे गए और रैली निकाली। कौमी परचम उठाए सिख जवानों ने शहर भर का चक्कर लगाया। फिजात पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। अहले वतन को जश्न आजादी 70 ईयर के बहुत बहुत मुबारक हो। हम बहुत खुश हैं इस दिन का। तो हमारी ख्वाहिश है कि हम बार बार इस तरह आएंगे और हमारी इसी तरह जश्न मना रहे। पाकिस्तान की अमन और सलामती लिए खसूसी दुआएं की जाती है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क में इस तरह अमन ले आए। सिख बिरादरी के जवानों ने रिवायती डांस करके यौम आजादी की खुशियों को दुबाला कर दिया। आजाद फिजाओं में सिख कम्युनिटी ने यौम आजादी की खुशियां मनाकर साबित किया कि वतन अजीज से इनकी मोहब्बत लाजवाल है। कैमरामैन इशफाक हुसैन के साथ फखरुद्दीन सैयद, 92 न्यूज, पेशावर। तो जी वीडियो ख़त्म हुए। ये थे पाकिस्तानी सिख जो कि मना रहे थे पाकिस्तान का बर्थडे और बड़ी खुशी से मना रहे थे और बड़े जोश खरोश से मना रहे थे। ओ क्यों धीमे लहजे बोल रही, मेरी बात सुनो। आपने मेरे लफ्जों पर गौर नहीं किया आपने, इसलिए सही है मनाने तो इनको क्या बात है। जिस तरह की भी आपको भी समझ नहीं आई, समझ को नहीं आई किसी को, किसी को भी समझ आई मैंने क्या बोला। भला आपने कहा कि सिख बिरादरी जो आजादी मना रही है और क्या आपने बोला? मैं आजादी का लफ्ज बोला। चलो जिस तरह की भी है जो भी है नाम तो है ना। हैप्पी बर्थडे डेट ऑफ पाकिस्तान, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बड़ी खुशी हुई भाई पाकिस्तान का ये जन्मदिन देखकर। पाकिस्तान इस दिन पैदा हुआ नहीं, आपको लगता है कि ये मनाना चाहिए? नहीं नहीं, आपको लगता है ये मनाना चाहिए? हम आजाद हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी। मैं आपसे सवाल करता हूं, तब भी आजाद नहीं थे हम, आज भी आजाद नहीं है? नहीं तो ये कैसे? तो ये भाई में आप नरमी नहीं देख रहे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आजादी मनानी चाहिए। हम आजाद नहीं है भाई, हम एक जगह से निकले हैं। आज जैसे कहते हैं कि आसमान से गिरा खजूर में अटका हमारा भाई साहब है, हम गोरों से निकले और अपनों में फंसे हुए हैं। जो हमारे आज भी हमारा मुल्क जो है ना हाईजैक है, हमारा मुल्क आजाद नहीं है भाई। हम आजाद वही नहीं थे, दिल से ये बात कर रहा हूँ। हम आजाद वही नहीं थे, हम तो आजाद हो गए। अब भी हम आजाद नहीं है, अब भी हम जो है ना इन बड़ों की गिरफ्त में है, हम आजाद नहीं हुए। ये तो ऐसे ही है, फॉर्मेलिटी कर रही है आवाम, पूरी कर रही है। ये तो ओल्ड वीडियो है। मैं शहर गया था तो मेरे जो शॉप दो दो चार दुकानों वाले ना झंडे पर्चियां वगैरह लगाए हुए थे, तो चार पांच दिन पहले गया था। तो मैंने कहा यार आप लगता है हम आजाद हुए हैं या हम आजाद हैं? किसी के पास कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं था। सबको पता है कि हम आजाद नहीं, और ये भी पता कि यकीन है हाईजैक, फिर भी हम आजादी मना रहे हैं। सबको पता था, जिस वो जो शॉप वाले थे सबको पता था। मैं पूछा यार तुम वाकई में कसम खा कर कहो कि आप आजाद हो? कहते हैं हम आजाद नहीं है। मैंने कहा फिर ये परचम, फिर ये बाजे, फिर ये स्टिकर, क्या वजह क्या है इसकी? आपको चाहिए अपने बाजुओं पर ब्लैक जो पट्टियां बांध कर निकले और मातम करें, अफसोस करें कि हम आजाद ही नहीं हुए। आजाद क्या, हम आजाद थे ही नहीं, ना हैं ना होंगे। मुझे नहीं लगता कि हम आजाद हैं। मैंने ये ना भाई, मैंने आप अक्सर कहते हैं ये बात, यानी कि
आप तो इस तरह कह रहे ना होने वाली यार, ऊपर वाले ने चाहे तो हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता भाई। मैंने तो नहीं मनाया, मैंने तो आज ब्लैक पहनी थी, अगर इधर है वकास के ऊपर पड़ी हुई तो मैं ब्लैक मुझे दे देना, मुझे याद नहीं रही, मैंने मैं तो ब्लैक करेंगे। मैंने कल एक वीडियो देखी थी वाघा बॉर्डर पे, यकीन जाने के एक तरफ पूरे इंडिया का जो है ना मजमा पूरा क्राउड था, और दूसरी तरफ देखा था कि चंद पाकिस्तानी सिर्फ चंद गिनती के बैठे हुए थे। भाई कोई नहीं, अब सब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी अवाम कितनी मोहिब्बे वतन अब है। ये तो सिर्फ ये तो पुरानी वीडियो जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि सिख कम्युनिटी जो है कैसे सेलिब्रेट कर रही है, हालांकि लेकिन जिनको शौर नहीं, मैं कहता हूँ जिनको समझ बूझ नहीं है, आपकी बात इत्तेफाक करता हूँ भाई। मुझे ये वीडियो खत्म होगी तो शायद मैं इस पर और जिस तरह अभी भी कहते हैं मेरी बात सुनो, काला कपड़ा पहन कर मैं मेरी बात सुनो, जिस तरह अभी भी कहते हैं जो आपको पता है गांव में या शहरों में कहीं भी चले जाओ कोई इनको सपोर्टर नवाज शरीफ का निकला, नवाज शरीफ हमने कई चेहरे पर कोई फ्लैग नहीं बनाया, कोई शर्ट नहीं पहनी उस कलर की, किसी नहीं था, अभी छुट्टी का आज दिन है, दिन था हमने मनाना था मेरा भी, लेकिन मैंने जब सोचा यार हम तो आजाद थे यार ना, जिस तरह ज़हनी तौर पे मुतमईन नहीं होता ना इंसान एक डिस्टर्बिंग के लिहाज से, तो वो ही है कंडीशन। और 75 ईयर से हमारा यही हाल है, और शायद आगे कितने सालों तक चलता रहेगा ये भी कोई साल अच्छे की रखनी चाहिए ना सर भाई, नहीं उम्मीद तो रख रहे हैं लेकिन ये उम्मीद कोई पूरी करने वाला भी हो ना, रहमतुल्लाह का ले लें जी, रहमतुल्लाह मनाना चाहिए, आजाद है नहीं मनाना तो खैर वाकई नहीं चाहिए, एहतजाज करना चाहिए और पूरे मुल्क में हर शहर में एहतजाज होना चाहिए कि ताकि हमारे जो हैंडलर्स हैं आर्मी वाले उनको पता चल जाए कि भाई आवाम जो है जागे उनको पता चल गया है जो हकीकत है, लेकिन जी हमारी बेवकूफी है जो हम निकल ही नहीं रहे, हमें चाहिए ना हमें निकलना चाहिए भाई, इतनी करते हैं मेरी बात वो ज्यादती इस तरह अभी बहन बेटी को उठा लेना फिर बोलेंगे उनको नंगा करके उनके वीडियो आप कर देंगे, बोलेंगे नहीं भाई, बोलेंगे नहीं करते हैं फिर वो घर वालों को भेजते हैं भाई। एक टिकटॉक ज्यादा आजम स्वाति की देख रहे निजी उन लोगों ने वीडियो बना ली थी बेटी को भेज दी भाई, टिकटॉक पे एक भाई ने पाकिस्तानी ने वीडियो अपलोड की, उसने कहा कि भाई 14 अगस्त आ रही है ऐसा करें कि आप अपना मुल्क जो है ना फिर गोरों को दे दें, आप आजाद नहीं है उसने हकीकत है वो फिर गोरों को दे दें, गोरे बेहतर हैं, मिलते हैं भाई नई वीडियो में नया टॉपिक साथ। ये तुम्हारा एहतजाज था हमारी आजादी मनाने का ना, तो हम आजाद थे बल्कि हम पैदा हुए थे, पैदा भी सही तरीके से, मिलते हैं ऊपर वाला करे हमारे बड़े जो हैं इदारे एस्टेब्लिशमेंट उनको तबाह हो जाए, अल्लाह हाफिज़।